अब भी नहीं आ रही बेटा? आपका कुछ नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, आप जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, या घर में जहां नेटवर्क अच्छा आता हो वहां पे चले जाएं फोन को लेकर, तब मेरी आवाज आ जाएगी। ठीक है, तो पहले लास्ट क्लासेस में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लासेस में हमने गुणा, योग और घटाव देखा है। तो सभी को घटाव समझ में आया था? घटाव करने के लिए दो स्टेप हो रहे थे। पहला आपको क्या करना था? अंतिम चिन्ह निकालना था। अंतिम चिन्ह कैसे निकाल रहे थे? किन्हीं दो चिन्हों के बीच में यदि कोई संख्या नहीं होगी तो उन चिन्हों की हम क्या कर देते थे? गुणा कर देते थे। माइनस माइनस की क्या हो जाएगी? गुणा होके प्लस हो जाता था। प्लस माइनस गुणा होके क्या हो जाता था? माइनस। और माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस की करेंगे तो आपका क्या जाएगा? माइनस। ठीक है, माइनस। एक बार अंतिम चिन्ह निकाल लेने के बाद आप वही करते थे जो योग के नियम बताए थे, वही घटाव में लगते थे। यदि दोनों के चिन्ह समान है तो क्रिया क्या होगी? योग की होगी। योग, योग, योग की। और वही चिन्ह आपका आ जाता था, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा अंतिम चिन्ह। और यदि एक प्लस एक माइनस है तो क्रिया क्या होती थी? घटाव की होती थी। और चिन्ह क्या आता था? जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता था वो आपका चिन्ह आ जाता था। सबको क्लियर था यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, तो इसके एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 17 माइनस माइनस 5, इसका बताएं सभी बच्चे चैट में लिखकर कि आंसर क्या होगा। 17 माइनस माइनस 5, पहले अंतिम चिन्ह बताएं मैम। प्लस का 22 मैम। प्लस 17 माइनस माइनस गुणा होगी तो क्या हो जाता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, प्लस 22। ठीक है, इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं माइनस 36 माइनस 23 तो कितना होगा? माइनस 36 माइनस 23 बताएं। माइनस 13। सभी बच्चे चैट में बताएं जल्दी जल्दी, सभी बच्चे सॉल्व करके बताएं क्या आ रहा है उनका। मैम माइनस 13। नहीं, गलत। पहले चिन्ह देखो सबके, प्लस 13 भी नहीं। देखो जब ब्रैकेट में माइनस का 59। हाँ ये सही है, कैसे आया? देखो माइनस ब्रैकेट में कोई चिन्ह नहीं, ब्रैकेट। क्या कह रहे हो बच्चों? मैम पहले इसके हमने गुणा कर दी थी, तो देखो ब्रैकेट था ना। हाँ तो पहले गुणा करें तो आप भी माइनस और प्लस की गुणा करोगे तो माइनस ही आएगा। तो आपका ये क्या है? पहला है माइनस 36 और दूसरा क्या हो गया? माइनस 23। तो दूसरा माइनस प्लस की गुणा करोगे क्या आएगा? माइनस, तो माइनस 23। अब दोनों के चिन्ह क्या है? सेम है, दोनों के चिन्ह समान है, दोनों माइनस है। जब चिन्ह समान होते हैं तो क्रिया काय की होती है? योग की। और वही चिन्ह आ जाता है, तो आप योग करोगे 36 में 23 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 59। और 9 आ जाएगा तो आपका क्या आ गया? माइनस 59। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये आपका माइनस 59 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट बताओ, यदि मैं पूछूं मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे आप जल्दी से लेफ्ट करके रिजॉइन कर लो, लेफ्ट करो और रीज्वाइन कर लो, तब शायद आपको आवाज आ जाए, बाकी सब बच्चों को आवाज आ रही है। अब मैं आपको बता रही हूँ, आपको मेरी आवाज ये भी नहीं आएगी समझ में, इसलिए सभी बच्चों को बताया जा रहा है। यदि कोई नेटवर्क का इश्यू हो जाया करे तो या तो चैट में लिख के कह दिया करो या चैट देख लिया करो कि लेफ्ट करके रीज्वाइन करना है। ठीक है, यदि चैट पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, पर उस इतना वो आएगा नहीं, उसे मेरी आवाज वैसे आएगी नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? माइनस 26 माइनस माइनस 12, बताओ ये कितना होगा?
प्लस का 38। माइनस 14। बेटा क्यों गलत आया? पहले क्या करना है आपको, यदि दो चिन्हों के बीच में, दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं हो तो उन चिन्हों की क्या करनी है, गुणा। तो माइनस 26 और ये क्या हो जाएगा, माइनस 14 प्लस 12। हाँ माइनस 14 सही आंसर है, लेकिन जिनका गलत आ रहा है वो एक बार देखें कैसे गलत हुआ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। माइनस 26 माइनस माइनस आपका प्लस 12 हो गया। तो एक माइनस है एक प्लस है, दोनों के चिन्ह जब भिन्न भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या होती है, घटाव की। आपने पढ़ा है जब चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो क्रिया घटाव की होती है, और चिन्ह क्या आता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो आपका चिन्ह हो जाता है। तो यहाँ पर आपका घटाव करेंगे, 26 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 14। बड़ी संख्या कौन सी है, 26 आपकी बड़ी संख्या है, और 26 कैसी है, निगेटिव। तो आंसर भी कैसा आ जाएगा, निगेटिव। बड़ी संख्या 26 निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो आंसर भी क्या आएगा आपका, ऋणात्मक, माइनस 14। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, सभी को अब समझ में आया ये कैसे घटाव किया? यस मैम, मैं एक और क्वेश्चन देना। क्या मैम कंफ्यूज, एक और क्वेश्चन देना, मैं एक बार सॉल्व कर दूं। ठीक है एक और क्वेश्चन देते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन है 26 माइनस, माइनस का 26 लो, माइनस का 26 माइनस 12। ये तभी था, थोड़ा सा अलग कर दिया है, संख्याएं अलग कर दी है थोड़ी। तो बेटा फॉर्म तो इसकी चार ही बन रही है, अब चार ही को घुमा घुमा के पूछना है मुझे। मैम माइनस 38। मैम 38। माइनस 38 कैसे, ये माइनस 26 हो रहा है, ये आपका माइनस 12 हो रहा है, तो ये दोनों माइनस है, तो आपका योग होगा और चिन्ह भी आपका माइनस ही आएगा, तो क्या आ गया, माइनस 38। तो 38 नहीं, माइनस 38। क्लियर हो रहा है, माइनस 38। यस मैम, यस मैम। एक और बताओ, 8 माइनस माइनस 5 कितना होगा, 8 माइनस मैम 13 प्लस का 13। हाँ प्लस थर्टीन क्या हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 8 प्लस 5 कितना हो गया, 13। ठीक है, सबको अब क्लियर हो रहा है? यस मैम, यस। ठीक है, तो अब आगे चले, आगे चलते हैं। आज लास्ट ऑपरेशन इसका देखते हैं, डिवीजन। एक भाग रह गया था आपका, भाग बहुत आसान है, जैसे गुणा होती थी वैसे ही भाग है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन देखते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन सभी को आता है कैसे, 10 को 5 से भाग देंगे तो बच्चों बताओ क्या आएगा, 2। 2, तो बढ़िया, सबको पता है 10 को 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा। तो इसके साथ साथ एक बात और याद रखो कि 10 और 5 कैसे साइन थे, दोनों धनात्मक साइन थे, 10 भी धनात्मक था 5 भी धनात्मक था, तो आंसर आपका क्या आया, धनात्मक। तो धनात्मक को विभाजन करा, दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पर हमें एक धनात्मक संख्या ही मिल रही है, प्लस को प्लस से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर भी हमारा क्या आ रहा है, प्लस। बात समझ में आ रही है मैम? यस मैम। हाँ, अब इसके बाद जब प्लस को प्लस से डिवाइड किया प्लस मिला, अब सेकंड देखते हैं, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन। अब मुझे बताओ माइनस 10 को माइनस 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा मैम, माइनस का 2। सभी बच्चे बताएं मैम, प्लस का 2 मैम, प्लस का 2 शायद। हाँ, ये माइनस माइनस प्लस होते हैं, होगा ऐसे, याद कर लिया करो, माइनस से माइनस चिन्ह कट जाएगा, माइनस माइनस को काट देगा, माइनस से माइनस चिन्ह कट जाएगा, आप क्या बचेगा, 10/5। 10/5 आपका कितना होता है, 2, तो प्लस का 2। तो जब हम ऋणात्मक को ऋणात्मक से भाग देंगे तो आंसर कैसा आता है, प्लस। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस को कैंसिल कर देता है, माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, प्लस। प्लस। क्लियर है? यस मैम,
इस तरीके से याद रहेगा कि माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस. तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का जब हम विभाजन करते हैं तो हमें एक धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है. तो आपको ये जब हमने निगेटिव को निगेटिव से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, प्लस साइन. प्लस साइन आया तो माइनस दस को माइनस पांच से भाग दिया तो आपका क्या आया, दो. ठीक है, तो आपका दो आ रहा है. सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम. तो आप तीसरा उदाहरण देखते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन. अब मुझे बताओ यदि मैं माइनस दस को पांच से भाग दूं तो कितना आएगा, ये माइनस दस है, दो. ये माइनस दस है और पांच कैसा है, पांच आपका धनात्मक है. तो ऊपर आपका निगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, दोनों चिन्ह क्या है, भिन्न भिन्न. दोनों चिन्ह भिन्न है, एक दूसरे को नहीं काट सकते. काट सकते हैं क्या? नहीं. तो जब नहीं काट सकते तो आंसर कैसा आएगा, निगेटिव. निगेटिव आएगा और दस को पांच से भाग देंगे तो कितना आता है, दो. पांच दूनी दस, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस दो. तो निगेटिव और पॉजिटिव हो तो आंसर कैसा आएगा, निगेटिव. क्लियर हो रहा है? चाहे निगेटिव हो, ऊपर ऋणात्मक हो नीचे धनात्मक हो, या ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक हो, आंसर कैसा आएगा, निगेटिव. तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन करने पर हमें एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होती है, निगेटिव संख्या ही मिलेगी. माइनस मैम बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही. बेटा आपको आवाज नहीं आ रही, आप मैं अब मेरी आवाज कैसे सुनोगे, अब मैं जो कह रही हूँ. आप मैम आप रिकॉर्डिंग भेज दिया. हाँ, आप लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, फिर से बोलो. अच्छा मैं बताओ आपको, मैं लेफ्ट कर दूंगी, फिर आप दोबारा से रिज्वाइन कर लेना. ठीक है, आपने अपना शायद माइक या ऑडियो वन कर रखा है, उसकी वॉल्यूम बढ़ा दें या उसकी सेटिंग्स में जाके स्पीकर खोल लें. अब मैं जो भी कहूंगी, अब मैं कहूंगी तो आवाज नहीं आ रही तो आप सुनोगे कैसे. इसलिए यही है कि जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लिया करो बच्चों. ठीक है मैम. बेटा जब मेरी आवाज नहीं आ रही है तो कैसे सुनोगे मैं क्या कह रही हूँ. एक बार लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लो. मैम हम तो नहीं आते. मैं आपको आ नहीं रही आवाज. जल्दी से रिज्वाइन कर लेना, मैं आपको कर रही हूँ. ठीक है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन करने पर हमें एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होती है. ठीक है, फिर इसी तरह यदि आपका पहले प्लस और नीचे माइनस हो, ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो, तब भी चिन्ह भिन्न है, तब भी आपका क्या आ जाएगा, ऋणात्मक. तो जैसे दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, 15 को डिवाइड करना है माइनस तीन से. बताओ 15 को भाग दे माइनस तीन से तो क्या आएगा, माइनस का पांच. हाँ, सबको समझ में आ रहा है, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, तो चिन्ह आपका क्या आ जाएगा, दोनों के चिन्ह भिन्न है तो आंसर माइनस में आएगा. और तीन एकम तीन, तीन पंजे पंद्रह, तो आंसर क्या आ गया आपका, माइनस पांच. ठीक है, तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ, बताओ. यस मैम. तो आपके कौन कौन से केस हुए, पहला केस जब प्लस को प्लस से डिवाइड कर रहे थे तो आंसर क्या आ रहा था, प्लस. जैसे दस बटा पांच को डिवाइड कर रहे थे तो आपका प्लस दो आ रहा था, है ना. इसी तरह माइनस को माइनस से डिवाइड कर रहे थे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जा रहा था, आंसर क्या आ रहा था, प्लस. जैसे माइनस दस को माइनस पांच से भाग दे रहे थे तो आंसर क्या आ रहा था, प्लस दो. क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कट जा रहा था और आंसर क्या हो जाता था, पांच एकम पांच, पांच दूनी दस, तो आंसर दो आ जा रहा था. जब एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो तब आपका आंसर कैसा आएगा, निगेटिव. चाहे ऊपर प्लस हो या चाहे नीचे प्लस हो, कहीं हाँ मैम आप आ रही है आवाज. आप आ रही है, वही मैंने देखो आपको लेफ्ट करा, आपने दोबारा रिज्वाइन करा तो आपको आवाज आने लगी. जब भी ऐसा हुआ करे ना तो लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लिया करो. ठीक है, उस समय मैं आपको यही बात कह रही थी पर वो बात भी आपको वही सुनाई नहीं आती. ठीक है, तो आप आगे देखते हैं. जब एक प्लस हो तो जिस बच्चे को अब आ रही है आवाज, तो एक बार जल्दी से देखो क्या सीखा. पहला केस था आपका धनात्मक बटा धनात्मक, दस को पांच से भाग देंगे तो क्या आ जाता था, दो. दोनों संख्याएं प्लस प्लस थी,
प्लस को प्लस से भाग दिया, आपकी संख्या क्या आई? प्लस आई, प्लस। ठीक है, दूसरा उदाहरण हमने क्या देखा? माइनस संख्या को माइनस से भाग देना है, माइनस दस डिवाइडेड बाय माइनस पांच, माइनस दस डिवाइडेड बाय माइनस पांच। तो देखो यहाँ पे दोनों संख्याएं कैसी हैं? ऋणात्मक है, तो आप ऐसा समझो कि माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे, तो अब आपका क्या बचेगा? दस बटा पांच, दस बटा पांच कितना होता है? दो। माइनस से भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? प्लस, प्लस टू। आपका क्या साइन आ रहा है? प्लस साइन आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड केस में चाहे आपकी ऊपर की संख्या धनात्मक हो और नीचे की ऋणात्मक हो, या ऊपर की ऋणात्मक हो नीचे की धनात्मक हो, ठीक है, मतलब दोनों के चिन्ह क्या है? भिन्न है। ऊपर यहाँ पे प्लस है, नीचे माइनस है, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो चिन्ह एक दूसरे को काट तो सकते नहीं, कैंसिल नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? आंसर आपका ऋणात्मक आएगा। इन दोनों केसों में आपका आंसर क्या आ जाएगा? निगेटिव, भिन्न, ऋणात्मक। जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तब आपका आंसर माइनस आएगा, और पांच दुनी दस होता है तो आपका आंसर क्या आ गया? माइनस दो। तो चाहे प्लस ओवर माइनस हो तब भी आंसर माइनस आएगा, चाहे माइनस ओवर प्लस हो तब भी आंसर आपका माइनस आएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. तो हाँ, अब आगे क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, माइनस 81 को डिवाइड करना है माइनस 9 से। ठीक है, इसका आंसर कोई भी चैट में नहीं देगा, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। मैं अभी पोल आपके लिए खोल रही हूँ, तब तक आप इसे सॉल्व करें और इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। माइनस 81 डिवाइडेड बाय माइनस 9। मैम हमारा आई क्या? हमारा मैम आई ना रहा प्रश्न में, प्रश्न दिख नहीं रहा मैम, दिख रहा तो मैं जिसमें उत्तर देते हैं ना, उत्तर जिसमें देते हैं वो आप देखो, आप देखो तो अभी खोला है आपने। हाँ आप देखो बच्चों, मैम हमारी मैम हमारी में नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा। नो मैम, आपके हमारे में तो आ गया। हाँ आपके फोन में नीचे डॉट दिख रहे हैं। मैम आ गया। हाँ तो दे उसी में पोल में आंसर दे। आधे बच्चों के आंसर आ गए पोल में। सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी जल्दी। तो ये और बच्चा जैसे पोल में आंसर देना नहीं आ रहा हो या उसके फोन में पोल नहीं खुल रहा हो। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं इसका क्या है। मोस्टली बच्चों ने ए दिया है, लेकिन बी सी डी के लिए भी दो दो तीन तीन वोट आए हैं बच्चों आपके, तो अभी भी लग रहा है आप कंफ्यूज हो गया। तो आपको यहाँ क्या करना था, माइनस 81 को भाग देना था माइनस 9 से। मैंने कहा है जब सेम साइन हुआ करे तो आपका क्या होगा, माइनस समझो, माइनस को काट दे रहा है, तो आंसर क्या होगा? प्लस। आंसर प्लस होगा तो अब 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 एकम 9, 9 81 होता है तो आपका 9 आएगा। तो पहले तो आपका भाग देने पर 9 आ रहा है, तो 10 तो वैसे ही काट दो, 8 वैसे ही काट दो, तो बी और डी क्यों बच्चे वोट दे रहे थे आप? कंफ्यूजन सिर्फ आपको प्लस 9 और माइनस 9 में होती। तो अब दोनों चिन्ह क्या है? माइनस। तो मैंने आपको बताया जब माइनस डिवाइडेड बाय माइनस हो तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल, आंसर क्या आ जाता है? प्लस। सबको समझ में आ रहा है? पहला केस क्या था, दोनों प्लस होंगे तब भी आपका धनात्मक आएगा, दोनों माइनस होंगे
तब भी आपका चिन्ह प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि ऐसा समझो माइनस माइनस को काट देगा, आंसर प्लस ही आएगा, ठीक है। जब दोनों चिन्ह भिन्न भिन्न हो, चाहे ऊपर प्लस हो या नीचे प्लस हो, तब आपके जब चिन्ह भिन्न होंगे तब आपका आंसर माइनस में आएगा, नहीं तो प्लस ही आएगा। क्लियर है? आगे तो गलती नहीं होगी, सभी बच्चे बताएं, सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, यस मैम, यस मैम। और कोई बच्चों बताओ, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कुछ प्रॉब्लम जो नहीं आई हो समझ में अभी भी, फिर से मैं बता दूं ताकि आगे किसी क्वेश्चन में आप गलती ना करो। क्लियर है आप साइन में? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो फिर एक नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। माइनस 65 को 13 से भाग देंगे तो बच्चों बताओ क्या आएगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे, माइनस 65 को 13 से भाग देना है। आने लगे बच्चों आपके आंसर? सभी बच्चे आंसर दें इसका। दोनों के चिन्ह कैसे हैं? भिन्न भिन्न, याद रखिएगा। यहाँ पर एक ऊपर वाला माइनस 65 नेगेटिव है, नीचे आपका पॉजिटिव है प्लस 13। आधे बच्चों के आंसर आ गए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। सभी बच्चे आंसर दें पोल में, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो मोस्टली बच्चों ने सी दिया है, लेकिन ए के भी अभी काफी वोट आ रहे हैं। चार पांच बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो अभी कंफ्यूज्ड हैं इसको लेकर, तो ध्यान से समझें क्या गलती हो रही है बच्चों। जब यहाँ पर एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, ऊपर वाला चिन्ह माइनस का है, नीचे वाला प्लस का है, दोनों चिन्ह कैसे हैं? भिन्न भिन्न, एक दूसरे को काट सकते हैं? नहीं, तो आंसर कैसा आएगा? निगेटिव आंसर क्या आएगा? माइनस का। अब आपको भाग देना था, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, तो आंसर क्या था? -5। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया था उन्हें क्लियर हुआ कि उनकी गलती क्या है? चिन्ह। यस मैम। हाँ, चिन्ह पे ध्यान दो बच्चों, चिन्ह आपका एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था, ये माइनस था, ये प्लस था, और इसे भाग देना था। तो जब आपके चिन्ह भिन्न होते हैं तो आपका अंतिम चिन्ह क्या आता है? नेगेटिव माइनस का, ठीक है। एक क्वेश्चन और करें, अब तो गलती नहीं होगी। माइनस प्लस तब भी आपका माइनस चिन्ह आएगा, चाहे प्लस बटा माइनस हो तब भी आपका चिन्ह क्या आएगा? माइनस आएगा। सबको समझ में आ रहा है? जब भिन्न आंसर माइनस में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों, इसका भी आंसर सभी पोल में दोगे। 1080 को भाग देना है -12 से। 1080 को -12 से भाग देंगे तो बच्चों बताओ क्या आएगा? इसका आंसर भी पोल सेक्शन में दें। मैम समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आया बेटा? बेटा आपका क्वेश्चन है 1080 को भाग देना है -12 से, तो ऊपर वाली संख्या आपकी धनात्मक है, नीचे वाली संख्या आपकी ऋणात्मक है। तो अभी मैंने आपको केसेस बताए थे जब दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्या करना होता है, और 1080 को 12 से भाग दो तो बताओ क्या आएगा? 1080 को पहले 12 से भाग दो और फिर चिन्ह देखो। दो चीजें देखनी है आपको, एक तो भाग करना है और एक चिन्ह देखना है। मैम ना, मैम समझ नहीं आ रहा। मैं
ठीक है बच्चों, अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, फिर इसका मैं अब आंसर बताऊंगी, तब मैं आपको समझा दूंगी। अभी और बच्चों को करने दे आंसर, क्योंकि और बच्चों को फिर आंसर का हिंट मिल जाएगा। पहले सभी बच्चे आंसर दे दे, फिर मैं आंसर समझाऊंगी, तब आपको ठीक है, तब आपको कोई डाउट रह जाए तब आप पूछ सकते होंगे। यस मैम। बाकी बच्चे वोट दें, सभी बच्चे वोट करो जल्दी जल्दी, अभी आधे बच्चों का वोट आया है सिर्फ। जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, पांच, चार, 3, 2, 1, टाइम आउट। तब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने बी दिया है, लेकिन आपने ए बी डी पे भी ऑप्शंस पे टिक लगाया है काफी बच्चों ने, ठीक है। तो अब इसके आंसर देखते हैं क्या होगा। बच्चों इसमें कंफ्यूजन क्या था, सबसे पहले भाग देना होता है, 1080 को 12 से भाग दोगे क्या आएगा, 12 का पहाड़ा करो, 12 में 0 उतारोगे, 0 आ जाएगा, 0 0 पूरा कट जाएगा, शेषफल बचा 0, तो आपका कितना आएगा 12 से भाग देने पर 90 है। आप चिन्ह की बात करते हैं, ऊपर वाला कैसा है धनात्मक, नीचे वाला कैसा है ऋणात्मक, तो आपको मैंने अभी कितनी बार बताया, जब दोनों के चिन्ह भिन्न हो, ऊपर प्लस नीचे माइनस हो, तो आंसर कैसा आएगा माइनस, आंसर क्या आएगा माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस चिन्ह जब भी भिन्न होंगे आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा, माइनस 90, ठीक है। आपका आंसर क्या आया ऑप्शन बी माइनस 90। आप बताओ बच्चों क्या इसमें नहीं समझ में आया मैम, बी नहीं, बी तो आंसर है, समझ क्या नहीं आया मैम, अब आ गया, अब आ गया, अब तो गलती नहीं होगी। तो आपके 4 तरीके, हाँ 4 केस मैंने बताए, पहला प्लस प्लस हो तब आंसर प्लस ही आता है, माइनस माइनस हो तब भी आंसर प्लस आता है, तो कैसे याद रखो, माइनस माइनस को समझो कैंसिल कर रहा है, क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा प्लस आ जाएगा, जब दोनों के चिन्ह भिन्न होंगे, जब दोनों के चिन्ह भिन्न होंगे तब आंसर कैसा आता है ऋणात्मक माइनस आता है, क्लियर है। एक क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसे ध्यान से पहले समझे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं, और दे क्या रखा है कि 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है। हम सभी को पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 1200 मिनट कितने घंटों के बराबर होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, तो 1200 मिनट कितने बराबर है ये आपको निकालना है। एक हिंट आपको दे रही हूँ, भाग से निकाल सकते हैं। तो अब आप इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे, कोई भी चैट में इसका आंसर नहीं देगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर दें। यस मैम।
मैम ये कर दिया हमने। ठीक है बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दें पोल में। मैम बताओ। सभी बच्चे आंसर दें, अभी आधे ही बच्चों के यहाँ वोट आए हैं, सभी बच्चे वोट दें। सभी बच्चे इसका आंसर दें पहले, फिर मैं बता रही हूँ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। अभी भी आपकी बहुत वैरायटी आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा है बच्चों। बी को वोट आए हैं लेकिन ए सी डी को भी दो दो बच्चों ने सबने वोट दिया है। तो इसमें क्या था, आप अपनी डेली लाइफ का एग्जाम्पल था कि 60 मिनट बराबर 1 घंटे का होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 1200 मिनट में कितने होंगे। मैंने आपको हिंट भी दिया था आपको क्या करना है, भाग देना है। 1200 को 60 से भाग दोगे तो आपको घंटे पता चल जाएंगे। तो 0 से 0 काट दोगे, 120 बटा 6, तो 6 एकम 6, 6 दुनी 12 और 0, तो ये आपका क्या आ गया 20। तो 1200 मिनट 20 घंटे के बराबर होगा, ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है, और पहले खुद ही सोचो नेगेटिव आंसर क्यों आएगा। 1200 मिनट माइनस के 20 घंटे होंगे क्या, या माइनस के 60 घंटे होंगे। ऑप्शन सिर्फ दो बचते, अब तो आपको बी पता चल गया, लेकिन पहले ऑप्शन पोल में क्यों गलत आए सबके, ये मैं पूछ रही हूँ। निगेटिव तो आना ही नहीं चाहिए था। -20 और -60 कभी आपके दैनिक जीवन में आपने सुना है, माइनस के 20 घंटे बराबर होंगे 1200 मिनट के, तो नहीं। तो ये तो आपका डेली लाइफ का क्वेश्चन था कि 1200 मिनट यदि है, 1 घंटे में 60 मिनट है, तो 1200 मिनट कितने घंटे के बराबर होगा, दिन के 20 घंटों के बराबर। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है अब तो इसमें गलती नहीं होगी। एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछूं, एक क्वेश्चन मुझे ऐसे ही बताओ, 625 बटा -5 कितना होगा। मैम माइनस का 25। माइनस का 125। अब भाग दोगे तो कितना आएगा, 125 का 125। का 125। क्लियर हुआ? अब ऐसे यदि मैं पूछूं -36 / -4 तो कितना आएगा। मैम प्लस का 9। हाँ प्लस का 9। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस समझो कैंसिल हो रहा है, 4 एकम 4, 4 9, 36, तो आपका आंसर क्या आ गया, प्लस का 9। सबको क्लियर हुआ? मैम। तो यहाँ तक बात सबको समझ में आई, पूर्णांकों के पूर्णांकों की चारों संक्रियाएं हो गई, योग घटा गुणा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जरा सा शुरू करते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, संख्या रेखा। सबको नेक्स्ट संख्या रेखा अपनी कॉपी में हेडिंग डालना है, नंबर लाइन संख्या रेखा हेडिंग डालें।
डाल लिया? यस मैम डाल। तो वो नंबर रेखा संख्या रेखा है क्या? नंबर लाइन संख्या रेखा। जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोई एक रेखा है, उस रेखा पर यदि हम संख्याओं को निरूपित कर दें तो वो हमारी क्या हो जाएगी, संख्या रेखा। क्लियर है? एक रेखा, रेखा पर संख्याएं, वो आपकी क्या हो गई, संख्या रेखा। नाम से पूरा क्लियर है बच्चों? बताओ। यस मैम। समझे? यस मैम। रेखा पर ढेर सारी संख्याएं हो, वो आपकी क्या हो जाएगी, संख्या रेखा। ठीक है? यस मैम। यस मैम। आप ये बात सभी बच्चे समझे, संख्याएं कैसी होंगी, संख्याएं किसी क्रम में होंगी। संख्याओं को हम ऐसे ही नहीं लिख देंगे, उन्हें क्रम, किसी क्रम के अनुसार रखेंगे, क्रम ऑर्डर, किसी ऑर्डर के अनुसार हम लिखते हैं। संख्याएं ऐसे ही नहीं लिख देंगे, हमें उन्हें एक ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। आप एक स्केल लें, स्केल ले लो, और जिस पे अभी स्केल ना हो वो अभी ऐसे ही एक लाइन खींच लो रफ में। ठीक है? तो एक रफ में एक लाइन खींच लो, उसमें सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, जीरो। सबसे पहले उसमें जीरो अंकित करो, कहीं पर भी एक लाइन बनाओ, एक लाइन पर कहीं पे भी आप जीरो बनाओ। कर दिया मैम। ठीक है, सबने कर लिया मैम? यस मैम। ठीक है, आप जीरो के दाईं ओर, दाईं ओर क्या होता है, राइट साइड, जीरो के दाईं ओर, दाईं याद रखना है दायां। आप किस हाथ से लिखते होगे, दाएं हाथ से लिखते होगे, राइट हैंड से। तो राइट हैंड आपके किधर होता है, इस साइड। बायां हाथ क्या होता है, दूसरा आपका होता है बायां हाथ, लेफ्ट साइड। दूसरी ओर आपका बायां होता है बाईं, लेफ्ट साइड। तो सभी अपने पहले ये लिखो, दायां और बायां, लेफ्ट और राइट। ये दायां है लेफ्ट और ये बायां है राइट। क्लियर हुआ? दायां बायां, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सभी अपना याद से ध्यान से समझेंगे। दायां आप राइट हैंड से लिखते हो, आप दाएं हाथ से लिखते हो। एक हाथ याद रख लो कि मैं दाएं हाथ से लिखती हूँ। जब दाएं हाथ से लिखती हो तो जब दायां देखना हो, अपना राइट हैंड देख लिया, दूसरा हाथ आपका बायां हो गया, तो दूसरा आपका बायां और ये राइट हैंड से आप लिखते हो। ठीक है? तो दाएं ओर चल के आप थोड़ी दूर पर एक का निशान लगा दो, एक लिख दो। लिख दिया मैम? फिर ठीक है, तो अब ये समझो, अब उसके बीच में ऐसा एक एरो बनाओ और लिख दो, ये दूरी कितनी है, एक मात्रक, एक मात्रक, एक यूनिट। इंग्लिश में कहते हैं एक यूनिट, वन यूनिट, और हिंदी में कहते हैं एक मात्रक। तो ये दूरी हो गई आपकी एक मात्रक दूरी। मैम? हाँ मैम, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है बेटा। कट कट के आ रही है तो जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, तो ये आपकी दूरी कितनी है, एक मात्रक, इसे लिख लो वन यूनिट। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। फिर अब उसके बाद क्या है, आगे फिर दोबारा एक के दाईं ओर, एक के दाईं ओर फिर से हम क्या करेंगे, दो लिखेंगे, थोड़ी दूर पर दो लिखेंगे। ये आपकी दूरी एक मात्रक थी, ये भी दूरी आपकी क्या है, सेम एक मात्रक है। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो इसी तरीके से आप आगे संख्याएं लिखते रहोगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आगे हम बिंदु बनाते चले जाएंगे, 3, 4, 5 और फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब ये संख्याएं आगे ऐसी चलती चली जाएंगी। ये संख्याएं तो हमारी अनंत तक चलती चली जाती हैं, इसलिए हम देखो ये लाइन पे क्या बना रहे हैं, एरो। एरो का मतलब ये लाइन खत्म नहीं हो रही है, ये चलती चली जाएगी। ठीक है, एरो तीर, ये तीर का निशान बनाया ताकि ये दिखा रहा है तीर कि ये लाइन खत्म नहीं हो रही है, कागज खत्म हो जा रहा है, इसलिए हम आगे नहीं दिखा पा रहे हैं, लाइन आगे अनंत तक चलती चली जाएगी। बात समझ में आई? यस मैम। मैम, तो ये आपकी संख्याएं क्या हो गई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसी आगे चलती चली जाएंगी।
ये आपकी संख्या रेखा की एक तरफ की हुई। तो हमें ये क्या दिखा दी, संख्या रेखा पर दाईं ओर हमने पूर्ण संख्याएं दिखाई है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती हैं अभी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी संख्याएं आपकी क्या है, पूर्ण संख्याएं। तो अभी हमने पूर्ण संख्याएं दी है दिखाई है, आगे हम पूर्णांक भी दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले इसी में ही थोड़ी बातें और देख लेते हैं। पहले इधर देखें, ये जो आपकी पूर्ण संख्याएं देखी हुई है तो यहाँ पे 1 से 4 तक की दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, ये आपका 1 है और ये 4 है, इसके बीच की दूरी बताओ बच्चों क्या होगी। हमें क्या पता है कि 1 से 2 के बीच की दूरी 1 मात्रक है, 2 से 3 के बीच की दूरी 1 मात्रक है, 3 से 4 के बीच की दूरी 1 मात्रक है। तो 1 से 4 के बीच की दूरी कितनी होगी, 3। गुड। कैसे करा कि हमने इन सबको जोड़ लिया, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये? यस मैम। ये आपकी कितनी थी, एक 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 दूरी थी, हमने इसे जोड़ दिया, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3। या आप ऐसे कर सकते थे क्या, चूंकि ये धनात्मक संख्याएं हैं तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, 4 - 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, तो आपको डायग्राम से अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो डायग्राम से गलती भी नहीं होगी। ये आपका कितना आ गया, 1 + 1 + 1 3। क्लियर हुआ? तो एक क्वेश्चन अब आप सब पोल सेक्शन में बताओगे, इसका आंसर पोल सेक्शन में बताओ। आपका आंसर कोई माइक पे नहीं बोलेगा। क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा पर बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सभी को डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम की हेल्प भी ले सकते हो। 2 और 7 के बीच की दूरी बतानी है, 2 और 7 के बीच की दूरी कितनी होगी। ऑप्शंस दे रखे हैं 3, 4, 5 या 6। कोई भी बच्चा माइक पे आंसर नहीं देगा, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बच्चों यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो आप अपना माइक बंद रखा करें, आपके घर के पीछे की आवाजें आती हैं। ठीक है, आ रहे हैं बच्चों, आधे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी सब भी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 टाइम अप। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने सी दिया है, लेकिन बी और डी के लिए भी ऑप्शंस आए हैं, तो क्यों आए हैं ये देखते हैं। बच्चे 2 से 3 तक कितनी दूरी, 1। 3 से 4 तक की दूरी, 1। 4 से 5 तक की दूरी, 1। 5 से 6 तक की दूरी, 1। 6 से 7 तक की दूरी, 1। तो अब इन सबको जोड़ दो, कितना आएगा, 5। तो आंसर में आप 4 और 6 क्यों लगाया, 4 और 6 तो गलत हो गया, 5 सही आंसर है। हाँ, दूसरा तरीका क्या बताया था 7 में से 2 घटाओगे तब भी कितना आ जाएगा, 5। 7 - 2 = 5 ऐसे भी कर सकते थे, तब भी आपका आ जाता 7 - 2 कितना हो जाता, 5। क्लियर है मैम? मैम ठीक है, तो आप आगे चले, ये आपका 5 उत्तर सही है। अब अच्छा आगे ये देखते हैं, 7 संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर, ये मुझे बताओ। सबसे पहले क्या देखो, संख्या रेखा, एक संख्या रेखा में वो पूछ रहा है 4, आपको यहाँ माना 4 ये है, ये आपकी 4 है, तो 0, 1, 2, 3, 4, तो वो पूछ रहा है 7 इसके किस ओर आएगा। तो हमें पता है ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7, तो 4 की किस ओर आ रहा है, 7 दाईं ओर आ रहा है, बाईं ओर। हाँ, सबको क्लियर है, 4 के दाईं ओर आ रहा है, राइट साइड पे जब जा रहे हैं तब हमें 7 मिल रहा है ना। तो 7 कैसी संख्या है, 4 से बड़ी संख्या है, तो जब हम राइट साइड जाते हैं तो हमें कैसी संख्या मिलती है, बड़ी संख्याएं मिलती है। देखो सब बड़ी मिल रही है, 4 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 6, 6 से बड़ी 7, तो जब हम राइट साइड जाते हैं तो हमें कैसी संख्याएं मिलती हैं, बड़ी संख्याएं। जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं बाईं ओर,
छोटी संख्या तो हमें छोटी छोटी संख्या है। सबको क्लियर हुआ? यस मैम। जब हम राइट साइड जाते हैं तो हमें बड़ी संख्या मिलती है और जब लेफ्ट साइड जाते हैं तो छोटी संख्या मिलती है। नोट करो जल्दी से ये कि राइट साइड जाओगे बाईं ओर दाईं ओर, दाईं ओर तब आपको कैसी बड़ी संख्या मिलेगी, दाईं ओर। बाईं ओर जाओगे तो कैसी संख्या मिलेगी। मैम लिख लिया। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ये बात समझ में सबके आई? मैम यस मैम। तो आगे एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझोगे, एकदम से कोई आंसर नहीं देगा नहीं तो गलत कर दोगे। संख्या रेखा पर 2-7 के किस ओर स्थित है, 2-7 के किस ओर स्थित है। पहले आपको क्या बताना है, 7 बना लो यहाँ पर। अब वो पूछ रहा है 2 इसके किस साइड पर स्थित है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? संख्या रेखा पर 2-7 के किस ओर स्थित है। इतना भी मैंने आपको हिंट दिया है, क्वेश्चन में इतना हिंट मिलता नहीं है, इसलिए आप वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ना समझना सीखें कि आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या रेखा पर 2-7 के किस ओर स्थित है। आने लगे बच्चों आपके वोट? बच्चे वोट करें। हाँ सभी बच्चे वोट करें, अभी 3-4 बच्चों के और रह गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट करें। पर अभी भी आप कंफ्यूज हैं, आधे आधे वोट आ रहे हैं दोनों ऑप्शंस पे। सभी के वोट आए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट करें। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब आंसर देखते हैं क्या है बच्चों। इसमें अभी भी आप कंफ्यूज हो, ए पे ज्यादा वोट आए हैं, बी पे थोड़े कम आए हैं। तो पहले तो ये बताओ लेफ्ट और राइट क्यों नहीं समझ में आ रहा है। दायां ये होता है राइट साइड, और दूसरा क्या होता है बायां लेफ्ट साइड। अब बताओ किस ओर होगा, बाईं ओर होगा, बाईं ओर। तो आंसर कौन सा सही होगा, बी। दो किस ओर है, बाईं ओर। तो आपका आप लोगों ने ए क्यों लगाया फिर? मैम हमने तो बी लगाया। मैम हमने ए, जिन लोगों ने लगाया ए, ज्यादा लोगों ने लगाया है बी से। तो बताओ बच्चों गलत हुआ है तो अब समझ में आया। दो पूछा जा रहा था किस ओर है, तो 2-7 के बाईं। यस मैम। तो आज सब लोग यही देख कर आओगे कि कौन सा बायां होता है कौन सा दायां। आप ऐसे याद रखो ना, दो दायां आपका राइट हैंड है, आप राइट हैंड से लिखते हो। जब भी आप राइट देखोगे इस ओर राइट है, ये आपका लेफ्ट हैंड है तो इस ओर आपका लेफ्ट है। ठीक है, ये इधर आपका लेफ्ट हैंड है, इधर आपका राइट हैंड है। तो ऐसे याद रखो, इतना तक मैंने हिंट दे दिया था, 7 आपका ये है तो बताना है कि 2 किस ओर होगा। ठीक है, बताएं यहाँ तक क्लियर हुआ सभी बच्चों को? मैम। यस मैम। तो यहाँ तक बताओ, यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। फिर हम अपना होमवर्क देखते हैं, आज हम होमवर्क क्या देंगे। तो सभी बच्चे अपनी 1 मिनट अवंती की वर्कबुक देखते हैं अभी। अवंती की वर्कबुक खोलो, सब पे है अवंती की वर्कबुक? यस मैम। यस। ठीक है, अवंती की वर्कबुक पे आप आ जाएं पेज पे। आज आपने भाग सीखा है तो पेज नंबर 15 खोल लें। पेज नंबर 15 पे आपका भाग दे रखा है, कॉन्सेप्ट 11। पेज नंबर 15 करें, 15 फिर 16 पेज नंबर पे आपकी एक्सरसाइजेस है 11.1 और 11.2, वो करनी है। उसके बाद पेज 17 पर आ जाएं, उस पे आपका नंबर सिस्टम है वो देखें, और उसके बाद यहीं तक देख लें 12.2 तक। फिर आगे हम कल बात करेंगे, लेकिन तब भी आगे की वर्कशीट कोशिश करें देख लें, ताकि छोटे और बड़ी संख्या को पहचानना सीख लेंगे।
वरना पेज नंबर 17 तक तो आपको होमवर्क करना ही करना है। तो पेज नंबर 15, 16, 17 तीन आज आपके होमवर्क है। क्लियर हुआ? यस मैम। मैम यस मैम। आप किसी को कोई डाउट हो तो बताएं।